हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी टेस्टी सूप बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमने बहुत ही मज़ेदार सा सूप किस तरह से बनाया है और इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 ग्लास पानी के ऐड कर देने हैं और इसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है, थाई पीस। आप अपने हिसाब से चिकन इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें लहसुन ऐड कर देना है 3 से 4 जवे और ब्लैक पेपर ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके चिकन को बॉयल कर लेंगे। तो जब हमारा चिकन बॉईल हो जाए तो हमने चिकन को निकाल लेना है और चिकन को हमने श्रेड कर लेना है और इसी पानी में जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था वो हमने फेंकना नहीं है, इसी में हम स्पैगेटी को बॉईल करेंगे। तो अब हमने इसमें 1/2 स्पैगेटी ऐड कर देनी है ताकि ये बॉईल हो जाए इस तरह से तोड़ के। तो यहाँ पे हमने पैन ले लेना है और पैन में थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें 2 से 3 जवे लहसुन के कट करके ऐड कर देने हैं और इसको लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देना है और चिकन को हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने इसमें कैरेट ऐड कर देना है इस तरह से चॉप करके और इसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है बारीक बारीक चॉप करके और मटर ऐड कर देने हैं बॉयल किए हुए। मटर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें ग्रीन चिली से ऐड कर देनी है कट की हुई, ये भी ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसी सूप पीना पसंद करते हैं। और वाइट पेपर ऐड कर देना है 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर ऐड कर देना है 1/2 टेबल स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्पैगेटी जो है वो बॉईल हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके बाद हमने इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो वेजेस चिकन के साथ फ्राई की हैं उसको हमने स्पैगेटी में ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें 3 to 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को घोल के इसमें ऐड कर देना है आराम आराम से और इसको हिलाते जाना है, साथ साथ मिक्स करते जाना है। अब हमने सूप को 20 मिनट्स तक स्लो फ्लेम पे रख के पका लेना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा सूप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है और मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप सूप में अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने बहुत ही इजी तरीके से आपको सूप बनाने का तरीका बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सकेंगे। तो हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।